खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, आज हम 2019 लोकसभा चुनाव यात्रा क्रम में पहुंच चुके हैं शहर के बहुत ही चर्चित मार्केट खेतान मार्केट, जहां पे कहा जा सकता है कि यहां पे व्यवसायी वर्ग रहता है, दुकानदार वर्ग रहता है, और ये लोग सीधे तौर पे नोटबंदी कहें या जीएसटी कहें, कहीं ना कहीं से अगर इनको दिक्कत होगा तो ये प्रभावित ज़रूर होंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर में इनके नज़र से 2019 में प्रधानमंत्री कौन होगा और किस आधार पे लोग वोटिंग करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे मार्केट में नीचे। देखिए, ये खेतान मार्केट है। जो लोग पटना के होंगे वो तो जानते होंगे खेतान मार्केट के बारे में, लेकिन पटना से बाहर के लिए जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए बता दें, ये पटना का मशहूर खेतान मार्केट है। ये कपड़ा का मंडी है, यहाँ पे हर तरह के कपड़ा मिलते हैं, होलसेल मार्केट है। ये मार्केट कहीं ना कहीं से प्रभावित रहता है। अगर इसको दिक्कत हुआ होगा तो जीएसटी से प्रभावित होगा, नोटबंदी से प्रभावित है कि नहीं, इसके बारे में हम विस्तृत दुकानदार लोगों से जानेंगे और यहाँ की जनता से भी कुछ जानेंगे। सर, आप बताना चाहेंगे क्या इस बार 2019 में प्रधानमंत्री आप किसको चुनना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो है जी, वो कैसी भी हो, लेकिन देश का विकास, शिक्षा और इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। जो ये अभी संभव नहीं हो रहा, वादा तो बहुत हो रहा है लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ये वादा पिछले 5 साल में पूरा किए हैं? नहीं, अभी तक तो 1% हमको नज़र नहीं आया है। लोगों का कहना भी है कि अभी नज़र नहीं आ रहा है। और अगर वाई देवे अगर दोबारा बनते हैं, अगर उस बात को वो सहमत है कि हम मैंने पिछला वादा को पूरा करना है, तो उनकी सरकार बनने में हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। तो मतलब लगता है कि आपके हिसाब से ये लगता है कि इस बार मौका उन्हीं को देंगे जो वादा पूरा करेंगे क्या? वादा से नहीं होता है, वादा से नहीं काम से पूरा जो होता है वो वादा कहलाता है। आपको ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो उनसे बेहतर काम करेंगे? नहीं, ऐसी उम्मीद दोनों से नहीं किया जा सकता है। काम जो करेगा वो इसी को दिया जा सकता है। जनता का कहना है कि अच्छे वो होते हैं जो काम और जनता पर ध्यान दें। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी काम किए जाने लायक हैं कि नहीं है? आपको 30% तो काम नजर आया है, लेकिन 70% नहीं है, जिसमें बेरोजगारी की आंकड़ा सबसे नीचे है। ये बताइए, पहले वाले लोगों से अच्छे हैं किए हैं काम या बुरे? हाँ, पहले से अच्छे काम किए हैं, पहले से अच्छे किए जी। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी राय जानकर। हम नीचे सीधे दुकानदार लोग के पास चलते हैं। आखिर में इनकी क्या सोच है, इनके नज़र में सरकार किसकी होनी चाहिए? हम सीधे तौर से जुड़े यहाँ के जो दुकानदार लोग हैं उनसे हम मिलवाने की कोशिश करेंगे। जानना चाह रहे हैं, इस बार नोटबंदी हुई, जीएसटी लगी, बहुत सारे लोग कहा कि दिक्कत हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये अच्छा हुआ। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम किए हैं? अच्छा काम न तो किए कि पूरा बाजार को डिस्टर्ब किए हुए, अभी तक बाजार का मार झेले उठ ही नहीं रहा। मतलब सीधे तौर से जीएसटी से प्रभावित हुआ? जीएसटी से भी प्रभावित हुआ, प्लस नोटबंदी से भी प्रभावित। नोटबंदी से भी मार्केट टूट गई जी, क्योंकि ये जो मार्केट है खेतान मार्केट अभी भीड़ रहता है। अब देख रहे हैं भीड़ एकदम घटते जा रहा है, धीरे धीरे भीड़ घटते जा रही। चुनाव आ गया उसमें भी देखिए एकदम खाली सन्नाटा लग रहा है। पहले लगता था कि कुछ पर्व आ गया, त्यौहार की तरह चलता था। तो आपको ये लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो वो इनसे बेहतर काम करेंगे या ये सब जो परेशानियां हैं दूर कर पाएंगे? कोई भी आता है तो अच्छे काम जो करेगा उनका नाम होगा, जो गलत करेंगे उनको पब्लिक जवाब देंगे, 5 साल का हिसाब पब्लिक लेंगे। इस बार लग रहा है कि काम के आधार पर या पिछले जो भी क्रियाकलाप रहे हैं उस आधार पर नरेंद्र मोदी जी को इस बार फिर मौका दिया जा सकता है कि नहीं? नहीं, मौका उनको तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए कि पब्लिक से धोखा दिए हैं। पब्लिक को जो भी कमेंट किए चाहे जवाब ले, जो भी वादा किए उससे खिलाफ एंटी जा रहे हैं। जीएसटी नोटबंदी से सीधे तौर पर मार्केट प्रभावित हुआ जी, बहुत प्रभावित हुआ। तो इस बार राहुल को मौका देना चाहिए, देखना चाहिए उनको। युवा है, एक बार सबको चांस मिलना चाहिए। ये या नहीं कि बार बार एक ही टो का घर भर है, सबका घर भरना चाहिए जी। मतलब कंपटीशन मतलब देते रहना चाहिए कि भाई आप अच्छा नहीं करोगे, अच्छा नहीं करोगे तो हम बदल दें जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बात बताया कि इस बार जी। सर, आप लोग भी बताना चाहेंगे, चूँकि आप लोग ग्राहक हैं और ये
दुकानदार, तो आप लोग की बात जो है, आप लोग की बात भी यहाँ से निकली हुई बहुत दूर तक जाएगी। इस बार 2019 में आपके हिसाब से सरकार किसकी? देखिए, बड़ा देश का अजब विडंबना है जी, माने दुर्भाग्य है इस देश का कि पिछले साल चुनाव के टाइम में जो मुद्दा था वो मुद्दा इस बार खत्म हो गया और नया मुद्दा आ गया। तो पिछले साल जो कमिटमेंट गवर्नमेंट की थी उसमें कितना फॉलो हुआ उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपके हिसाब से कौन कौन सी योजनाएं अभी तक? देखिए, पिछली बार ये था कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा जी। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो लोग जेल के अंदर जाएंगे, काला धन वापस आएगा। वो सब तो खत्म हो गया। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी, वो सब मुद्दा बिल्कुल चुनाव में खत्म हो गया। एक मुद्दा और था जो मेन मुद्दा था, राम मंदिर का। हाँ, उसपे भी कुछ पहल नहीं हुआ, उसपे भी कल नहीं हुआ। इसका मतलब ये लगता है कि सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने की राजनीति हो रही है। और इस चुनाव में सामाजिक सौहार्द है वो गड़बड़ाया हुआ है। माहौल जो देश का होना चाहिए, दिन प्रतिदिन हम लोग को लगता है कि आज़ादी के तरफ हम लोग जब देश आज़ाद हुआ था, इंडिया पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ था, उस दौर के तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि मतलब ये किसकी सरकार, मैंने मेरी सरकार बने इस फेर में ये सब हो रहा है? बिल्कुल राजनीति, बिल्कुल टोटली राजनीतिक हो रहा है, राजनीति हो रहा है। और अपने कुर्सी के लिए सारा ये कारनामा हो रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं, जनता के लिए कुछ। इस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, किसको इस पर नहीं? देखिए, इसमें सबसे पहले लोकतंत्र है, इसमें जो जनता है, प्रजातंत्र है के जो लोग हैं उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। उनको समझना चाहिए कि आखिर राजनीति हो क्या रहा है और उसको जागरूक हो के जब दो, तक दो दो नाम में राहुल इस बार या ये मोदी जी, नहीं इसको क्या कहिएगा? देखिए, और कोई आपके सामने? देखिए, उस वो गवर्नमेंट थी उसी का देन है कि भाजपा आई, लेकिन जिस उम्मीद से लोगों ने इनको सब वोट दिया था उस उम्मीद पे ये भी खड़े नहीं। इनको संदेश देना चाहेंगे कि आप अच्छा काम आगे नहीं कीजिएगा तो हम फिर बिल्कुल हम उनको संदेश देना चाहेंगे और भारतीय वासियों से कहेंगे कि जागरूक होइए और देखिए कि राजनीति कहाँ हो रहा है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए हम लोग। मतलब किस तरीके से जागरूक हुए, जब आग सामने वाला दिखेगा तब ना कि किस में काम करने का मतलब योग्यता दिख रहा है? आपको लग रहा है कि राहुल गांधी में ये योग्यता दिख रहा है? राहुल गांधी में भी वो योग्यता नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस अभी की परिस्थिति में नए चेहरे आने चाहिए, आपको ऐसा लगता है क्या? प्रियंका वाड्रा आएंगी तो कांग्रेस का कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, प्रियंका वाड्रा अभी 5 साल कहाँ थी, अब चुनाव का टाइम आया है तो अभी वो अपना निकली हुई हैं, तो मार्केटिंग हो रहा है, सब मार्केटिंग है, बिल्कुल मार्केटिंग, पब्लिक के जान गई, पब्लिक समझ रही है कि मार्केटिंग हो रहा है, पब्लिक सारी बातों को समझ रही है। बिल्कुल अब समझ ही में आ रहा है कि भाई जनता करे तो क्या करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राय जान के। चाहेंगे कि 2019 में इस बार सरकार किसकी आप चाहते हैं? सिर्फ मोदी। आपको लगते है पिछले 5 सालों में मोदी जी अच्छा काम बहुत अच्छा किए हैं? समझने का सबको फेरा है, लेकिन काम बहुत ही अच्छा किया है, काम अच्छा किए हैं जी, युवाओं के लिए काम किए हैं, बहुत सारा काम किया। कौन सा काम उनका सबसे अच्छा आपको लगा? सबसे अच्छा काम कि एक से टेक्नोलॉजी बाहर भी गए, वहाँ यहाँ चलाए, देख के आए हम, देख के आए और बना भी रहे हैं। एक से एक डिजिटल काम हो रहा है, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। अब वो उनको मौका देना चाहिए कि वो आगे और विकसित करे। मैंने किनको मौका दे? राहुल जी को मौका देना नहीं, मोदी जी को मौका देना चाहिए। मतलब इस अगला लग रहा है कि इस बार भी 5 साल उनको मौका देना चाहिए जी, एक बार मौका देना। चलिए, हम जानना चाहेंगे सर कि इस बार जो GST लगी, नोटबंदी हुई, उसमें आप लोग क्या तकलीफें हुई? और तकलीफ हुआ है। हाँ। तो तकलीफ हुई है तो आपको लग रहा है कि इस परिस्थिति में नोटबंदी भी हुई, हाँ, तो सीधे तौर पे दुकानदार लोग प्रभावित होंगे, हाँ। आपको लगता है कि मोदी को फिर इस बार मौका आप लोग दे रहे हैं? बदलना जरूरी है। हाँ। यानी बाजार डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, मतलब हम लोग बेरोजगार हो गए। ये नोटबंदी और GST से पहले बाजार अच्छा था? बहुत अच्छा था। ये अभी जो हुआ ना नोटबंदी से बहुत हम लोग डिस्टर्ब है और रोजगारी का आप लोग मार पड़ गया। तो इस दरमियान आप राहुल गांधी को मौका देना चाहेंगे? हाँ, हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस वर्ग रहता है जहाँ, यहाँ सीधे तौर से प्रभावित होते हैं यहाँ के लोग, GST में भी यहाँ के दुकानदार लोगों ने, जैसे यहाँ पे छोटे दुकानदार भी हैं, बड़े दुकानदार भी हैं। भाई साहब, आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, मोदी जी की या राहुल जी की? राहुल जी की सरकार होनी चाहिए। आपको लगता है पिछले 5 सालों में मोदी जी ने अच्छा काम कुछ भी नहीं किया है? ये तो हमको मालूम, हम तो काम कर रहे अभी। चलिए, कहते हैं कि इस बार 2019 में
आप लोग जीएसटी हुआ, नोटबंदी हुआ, क्या बिजनेस वर्ग प्रभावित हुआ और इस हिसाब से आपको लगता है कि 2019 में किनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने अच्छा काम किया है इस बार पिछले 5 सालों के लिए, काम अच्छा हुआ, देश के लिए काम अच्छा हुआ। बिजनेस वर्ग की बात करें, चूंकि आप लोग सीधे तौर पे प्रभावित रहते हैं, जो भी कुछ नोटबंदी हुआ है या जीएसटी हुआ है उस समय एकदम बाजार डिस्टर्ब रहा? ऐसा कुछ नहीं है, नोटबंदी हुआ तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी बाजार ठीक ठाक है। कहीं कोई आपको लगता है कि पिछले आने वाले 5 साल में नरेंद्र मोदी अच्छा काम करेंगे? एकदम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। ऐसा कोई अच्छा काम जो सबसे अच्छा उन्होंने किया आपके नज़र में? अच्छा काम तो बहुत सारा किए हैं, जो देश हित के लिए किए हैं काम, देश हित के लिए अच्छे किए हैं, उन्हीं को मौका देना चाहिए। राहुल गांधी को? राहुल गांधी तो कभी प्रधानमंत्री बने नहीं हैं और वैसा कुछ काम अपने बिहार के हिसाब से तो कुछ नज़र आता नहीं है, कुछ नहीं, उनमें प्रधानमंत्री की योग्यता भी नहीं दिखती है। अब ये हम नहीं बोल सकते तो नहीं कह रहे हैं तो ये कह देने में क्या। चलिए हम इधर चलते हैं, हमको ये आप बताते जाइए कि इस बार जो दुकानदार लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं नोटबंदी या जीएसटी से, तो जीएसटी से प्रभावित हुए हैं या नोटबंदी से, तो सीधे तौर से आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जीएसटी और नोटबंदी से हमेशा प्रभावित रहते हूँ, तो आपको लगता है इस आधार पे आपको नरेंद्र मोदी को इस बार सरकार में लाना चाहिए? देखिए ये तो अपना मुद्दा हो गया नोटबंदी, और ये सरकार जैसे काम कर रही है उसी हिसाब से नरेंद्र मोदी आना चाहिए। मतलब बिजनेसमैन लोग, आप लोगों को कोई तकलीफें नहीं हुई है उससे? तकलीफ तो हुआ है व्यापार में, मगर अब ये रहा कि इसके रीजन के अनुसार बोल दे कि मोदी जी ना आए वो गलत नहीं है। आपको लगा है कि अच्छा काम किए हैं ये जीएसटी ला के, तभी ना आप उनको मौका एक देंगे? काम लगता? तो व्यापार के लिए थोड़ा दिक्कत देता ही है, बाकी हम एक दो व्यापार छोड़ के बहुत सा काम देखते हैं तो उनका बहुत अच्छा है, तो व्यापार को छोड़ देते हैं, बाकी हर काम उनका बहुत अच्छा है। ये लग रहा है कि इस आधार पे आपको उनको इस बार फिर 5 साल मौका और देना चाहिए? 101% आपकी आपको उनकी कौन सी काम सबसे अच्छी लगी? ऐसा देखिए तो बहुत से अच्छी लगी। नहीं, एक होता है ना कि एक काम बंदे ने बहुत अच्छा किया, जैसे पाकिस्तान पे वो चढ़ाई की है वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसा काम है इनका, विवरण क्या क्या बहुत ऐसा काम है, विदेशों में रिलेशन सुधारे हैं, इसके बारे में बहुत से काम ऐसा, थोड़ी एक दो काम आगे भी लग रहा है, इनको ही मौका देना चाहिए। 101% राहुल गांधी का तो मौका, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इनसे बेहतर काम कर सकते हैं? ज्यादा एनर्जेटिक हैं, ज्यादा यंग हैं। नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ब्रिलियंट हैं, हर चीज से मजबूत हैं, तजुर्बा उनके पास बहुत ज्यादा है। तो राहुल जी को क्या सलाह अभी देना चाहेंगे आप? सलाह क्या देंगे, बस देश के लिए कुछ करे, अलग करे कुछ, तो हम लोग भी सपोर्ट करें, मैच्योरिटी लाने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीधे देख रहे थे खेतान मार्केट से, पटना से, और यहाँ हम लोग दुकानदार लोग, आप भाई आप भी बता सकते हैं, जिनको बताना है आप बता सकते हैं, किस इस बार किसकी सरकार आपके हिसाब से? मोदी की आएगी, मोदी की आनी चाहिए। आपको लग रहा है युवाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे? हम लोगों को तो लग रहा है कि वो आएंगे तो सब जितना बेरोजगारी है वो दूर होगा। राहुल को इस बार मौका मिलना चाहिए क्या उनसे? ठीक है, उनका अच्छा बात है कि वो भी मतलब आगे आना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक एज का तजुर्बा और एक यंग का तजुर्बा दोनों अभी मतलब थम जाए, अभी रुक जाए, अभी समय के अनुसार मोदी जी समय के अनुसार सभी को मौका मिलेगा, इसमें नो डाउट, ठीक है ना, और इससे क्या बोले। चलिए इधर हम आप बताना चाहेंगे, हम लोग सीधे यहाँ खेतान मार्केट से, आप लोग के हिसाब से इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? बिल्कुल, पिछले 5 साल पहले हमने एक बार मोदी जी को चांस दिया था, सबने कहा था कि एक बार चांस दो देश बदलेगा, किसी को भी मौका आगे आने का बिल्कुल मिलने चाहिए, इसलिए मेरा सपोर्टर बिल्कुल राहुल गांधी की तरफ है, उन्हें भी इस बार मौका मिलने चाहिए, क्योंकि बीजेपी बहुत हम लोग के साथ वादा किया था, उन्होंने कहा था बिहार को 80 करोड़ 90 करोड़, चलो 125 करोड़ दिया, कहाँ गई वो 125 करोड़। बिजनेस की बात है, यहाँ एजुकेशन से बात है, तो पिछले 2 महीने से वैकेंसी आ रही है, याद रखियेगा की जो इसको पहले नहीं थी, स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप मिल रही है, मैं भी 12 की हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं कि मैंने इतना परसेंट ला दिया, मेरे लेवल का वो परसेंट नहीं है, 84% मिला है मुझे, लेकिन अगर मेरी ईमानदारी से बोला जाए तो मैं 70% के भी काबिल हूँ, मैंने गोल्ड के एडमिशन में दिया, उसमें मेरे 10% स्कॉलरशिप मिला और मैं बिहार बोर्ड से 84 लिया हूँ, क्या भाई चुनाव को हम लोगों को पढ़ाई शिक्षा के साथ जोड़ रहे हो, बस करो मोदी जी। आपको लगता है कि इस बार आएंगे राहुल गांधी तो उनसे बेहतर काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, एक बार उन्हें मौका देखिए, उनके परिवार से क्यों उनको जोड़ रहे हैं, सोनिया गांधी से उनको क्यों तुलना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि
सोनिया गांधी से जोड़ने से उनका भी हो जाएगा। सोच उनकी बिल्कुल डिफरेंट है, एक बार चांस देकर आप लोग देखिए आगे कुछ बेहतर होगा, बस मेरा यही कहना है। तो वो अच्छे काम करेंगे राहुल गांधी को अगर मौका दिया, चांस देकर देखिए। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई भी काम मोदी जी का जो आपको पिछले पाँच सालों में अच्छा लगा होगा, कोई भी एक जो अच्छा काम? अरे उन्होंने तो बहुत कुछ वादे तो इतने सारे किए, कोई काम के वादा तो बहुत किए हैं। और थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक एक अच्छा चीज लगा, लेकिन उसके पीछे भी लोगों का कहना है कि इनका भी साजिश है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ, बट इतना कहूँगी अगर सर्जिकल स्ट्राइक रियल हुआ है तो ये बेस्ट काम है उनका। बाकी मैं उनके टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुकानदार हैं आप जी, इधर हम ये जानना चाह रहे थे इस बार 2019 में आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस इज वेरी बेस्ट, कांग्रेस बेस्ट है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अच्छा होगा, हमारे लिए तो अच्छा होगा, हमारे देशवासियों के लिए अच्छा होना चाहिए, देश के वासियों के लिए भी अच्छा होगा। काम विकास चाहिए, हिंदुस्तान के वासियों को भी विकास चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कुछ विकास किया है, कुछ सही भी है कुछ गलत भी है, तो इसके बारे में हम पूरा ओपनली बोल नहीं सकते हैं। जी जी, पर कुछ काम अच्छा भी हुआ है, कुछ काम गलत भी है। तो अभी मार्केट का आपको लगता है कि उनको इस बार सुधरने का मौका देना चाहिए क्या? अगर उनको उनको अगर लगना है, उनको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं तो उनको एक मौका देना चाहिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से? राहुल को बनना चाहिए इस बार? राहुल पूरा एकदम राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर इस बार बिजनेसमैन के लिए GST लगा, नोटबंदी हुआ, उसके बावजूद इस बार की सरकार 2019 आपके हिसाब से किसकी होनी चाहिए? कांग्रेस, कांग्रेस की होनी चाहिए। आपको लगता है राहुल गांधी आएंगे तो इनसे बेहतर काम करेंगे? कांग्रेस के आने से पैसे का फ्लो रहता है मार्केट में, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है पैसे का फ्लो बंद हो जाता है। मतलब बिजनेस वर्ग प्रभावित हुआ है? हम लोग को बिजनेस करना है, हम लोग बिजनेस ही को देखते हैं। बिल्कुल, तो मेरे अकॉर्डिंग कांग्रेस आए तो बेटर रहेगा, बिजनेस बेटर रहेगा, राहुल गांधी अच्छा रहेंगे काम करेंगे। ऐसा कोई ऐसा काम जो आपको लगा हो कि नरेंद्र मोदी का जो ये अच्छा काम किया है, बाकी तो सब? नोटबंदी में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी लोगों को, उसको भूल नहीं सकते हैं, और नोटबंदी ने बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कर दिया, दुकानदार वर्ग टूट चुका था पूरे तौर पे। आप थोड़ा थोड़ा बिजनेस है कि अब थोड़ा रिकवर हो रहा है, मगर मेरा होप है, उम्मीद है कि अगर कांग्रेस आएगी तो बिजनेस बेटर होगा, बिजनेस बेटर हो जाएगा। हम लोग को बिजनेस बेटर चाहिए। बिल्कुल, अपना जो लोग सब जो लोग हैं, जो अपना बहुत से लोग हैं अपना ही सिर्फ देखते हैं, नेता लोग भी अपना ही देखते हैं, तो आप लोग को कांग्रेस आएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ। राहुल को इस बार मौका देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए हम आगे सीधे चलते हैं। इधर 19 में किसकी सरकार होनी चाहिए? एक्चुअली हम राहुल गांधी को जिताना चाहते हैं, इसलिए कि इस बार हम लोग को पता चला, हमेशा नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि डिजिटल इंडिया बना देंगे, मेक इन इंडिया बना देंगे। मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, चार साल से वेट करें कुछ ऐसा गवर्नमेंट का है कि जिसमें मैंने कंप्यूटर इंजीनियर का हो, पता चलता है कि वैकेंसी ही नहीं है, बस पता चलता है मेक इन इंडिया। मतलब युवाओं को ठगने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी? बिल्कुल, हमको तो ऐसा ही लगता है, युवा वर्ग ठगा हुआ महसूस करता है। अभी भी पता चला कि चुनाव से पहले जितना भी जैसे रेलवे का हुआ, जो भी हुआ, नवोदय का हुआ, बहुत सारा वैकेंसी आया है, लेकिन न उसका सिलेक्शन हुआ है न एग्जाम हुआ। चुनाव के बाद क्या होगा इसका कोई रिजल्ट? इस बार राहुल को मौका देना चाहिए। बिल्कुल, आपके हिसाब से? जी, आपके हिसाब से किसको इस बार मौका देना चाहिए, राहुल गांधी को मौका देना चाहिए या नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को मौका मिलना चाहिए। जी, आप बताना चाहिए? हाँ, मोदी जी को ही? चलिए चलिए, इधर कुछ लोग हैं, हम मिलते हैं। परेशान है व्यवसायी वर्ग, परेशान हुआ, सब परेशान है, इसलिए करके कि राहुल जी आएंगे ही आएंगे, इसको कोई नहीं रोकेगा। राहुल गांधी बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे, व्यवसायी अच्छा काम करेंगे ही, युवक नेता है जी, और ऐसे भी बुरा सुरा अब काम नहीं कर सकता कुछ, देश एकदम खत्म कर दिया, जो भी देश अब इनसे नहीं चलने वाला है, हर चीज में परेशान, पब्लिक से लेकर के गरीबी क्या शांत करेंगे, गरीब को खत्म कर रहे, और गरीब से लेकर के व्यवसायी सब परेशान है। मतलब गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी नहीं है? नहीं है, ये पैसा वाले के लिए, ये अमीरों के लिए, अमीरों के लिए, केवल अमीरों के लिए काम करते हैं। बस बस बस, मतलब इस बार राहुल गांधी आएंगे तो अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। चलिए आएंगे, आएंगे ही, एकदम आएंगे, श्योर आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सीधे देख रहे हैं जी, तो आप सीधे देख रहे थे पटना के खेतान मार्केट से, जहाँ एक बिजनेस वर्ग रहता है, जहाँ सीधे तौर से बिजनेस से कोई भी, जैसे नोटबंदी हुआ, GST हुआ, हम ये जानने की कोशिश करने आ जाए थे कि बिजनेस वर्ग आखिर में परेशान था या नहीं परेशान था, या क्या चाहता है कि अगले बार भी ऐसे ही सरकार बननी चाहिए या राहुल को मौका मिलनी चाहिए। सबने अपनी अपनी राय रखी। अगर यहाँ की आज की प्रस्तुति आप सबको अच्छी लगी हो
तो हम आशा करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, साथ ही साथ जो बंधु चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर कोई अगली चुनाव यात्रा के साथ, बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।